हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बने। क्वेश्चन नंबर 20-25 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ टू फोर्स। सम ऑफ प्लेस वैल्यू मतलब, सम मतलब जोड़ योग, प्लेस वैल्यू स्थानीय मानों का। अब टू फोर, दो फोर आए हैं ना इसमें, दो फोर, तो दोनों फोर का प्लेस वैल्यू निकाल कर उसका सम करना है। सम मतलब जोड़ देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर लिख लेंगे, दोनों फोर का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों सम कर देंगे। आइए इस तरह से सॉल्व। नंबर लिख लिया जाए पहले, 9843-7462। पहले फोर का प्लेस वैल्यू निकाला जाए, 4 1s 10s 100, तो 400। दूसरे फोर का प्लेस वैल्यू निकाला जाए, 4 1s 10s 100 1000 10000 लाख, तो 4 लाख। ठीक है, मतलब फोर के आगे जितने डिजिट बच रहे हैं उतने जीरो, जितने डिजिट बच रहे हैं उतने जीरो। अब क्या करना है, दोनों प्लेस वैल्यू जो आया उसका सम निकालना है। सम मतलब जोड़, तो लिख दे सम आप प्लेस वैल्यू, सम आप प्लेस वैल्यू वैल्यूज ऑफ टू फोर्स, 400 और 4 लाख को आपको ऐड करना है। ठीक, ऐड कर दीजिए 400 में 4 लाख को, 0000, फिर 0000, 4, तो जाएगा 4,400। कितना हो जाएगा, 4,400। दोनों फोर को ऐड करके जोड़ देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लस वैल्यूज ऑफ टू थ्रीज इन द नंबर। इसके पहले सम पूछ रहा था, सम मतलब दोनों प्लस वैल्यू को निकाल कर ऐड करना था। इस बार दोनों जो 2 3 आ रहा है, दो बार 3, इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल कर प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा करके जो रिजल्ट आएगा वही प्रोडक्ट कहलाता है। तो आइए ना, दिए गए नंबर में दोनों 3 का पहले हम प्लेस वैल्यू निकालें। इसके लिए सबसे पहले नंबर को लिखते हैं, 9328 5 3 9328 5 3 6। ठीक है ना, पहला 3 है, 3 1 0 हो जाएगा, 30 टेंस के स्थान पे है। दूसरा 3 है, 3 के बाद 1 1s 10s 100 1000 10000 लाख, 3 लाख हो जाएगा। तो पहले का प्लेस वैल्यू 30, दूसरे का 3 लाख, दोनों 3s के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट करना है। लिख देंगे हम लोग भी प्रोडक्ट, सेम चीज वहां से कॉपी कर लेंगे आप, यहाँ तक प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यूज ऑफ टू थ्रीज, ऑफ टू थ्रीज, जो हमने 2 3 का प्लेस वैल्यू निकाला उनका प्रोडक्ट का रिजल्ट कर लेंगे। तो करिए, पहला 30 है, दूसरा 3 लाख है, बड़ा आसान है। कितने जीरो हैं उतने जीरो लिख लो, यहाँ 5 0, यहाँ 1 0, 6 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 3 9, तो 90 लाख, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।